हेलो फ्रेंड्स, आपका सरकारी रोजगार डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारतीय डाक विभाग की भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वैकेंसीज़ के बारे में, यानी कि भारतीय डाक विभाग की वैकेंसीज़ के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और आइए बात कर लेते हैं फर्दर डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, ये भर्ती होने जा रही है अंडर स्पोर्ट्स कोटा और इसमें पोजिशन के नाम है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट, यानी कि JA इन पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस, और दूसरी पोजिशन का नाम है पोस्टल असिस्टेंट यानी कि PA इन पोस्ट ऑफिस, और तीसरी पोजीशन का नाम है दोस्तों सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसको SA भी कहते हैं इन रेलवे मेल ऑफिसेस, और चौथी पोजीशन का नाम है पोस्टमैन यानी कि PM इन पोस्ट ऑफिसेस। तो दोस्तों, इन पोजीशन के लिए जहाँ तक स्किल और पे की बात है तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए 25,500 से लेके 81,100 है, और दूसरी पोजीशन यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी पे स्केल 25,500 से लेके 81,100 है दोस्तों, और पोस्टमैन का 21,700 से लेके 69,100 है। और इसके अलावा दोस्तों आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे एज एडमिसिबल। और दोस्तों, जहाँ तक एज लिमिट की बात है, इन सभी पोजीशन के लिए एज लिमिट 18 साल से 27 साल रखी गई है, यानी कि कैंडिडेट की एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, जहाँ तक पॉइंट नंबर 5 की बात है तो इसमें पॉइंट नंबर 5 नोट के 1 पॉइंट में लिखा गया है कि इन एडिशन स्पेशल रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट 2 and maximum of 5 years फॉर ऑल कैटेगरी विल बी एडमिसिबल, यानी कि इसके अलावा सभी श्रेणी के लिए अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की विशेष छूट स्वीकार्य होगी। इसका डिटेल दोस्तों पॉइंट नंबर 5 के 1 में दे रखा है नोट में, इसको आप पढ़ सकते हैं। और आइए बात कर लेते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। जहाँ तक जूनियर अकाउंटेंट की बात है तो इसमें क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगी गई है दोस्तों, और जहाँ तक पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट की बात है तो इसमें 10+2 स्टैंडर्ड या 12th पास मांगा गया है। और दोस्तों, जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है पोस्टमैन के लिए तो इसमें 12th स्टैंडर्ड यानी कि 12वीं पास मांगा गया है, और बी कंडीशन में लिखा गया है कि कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए यानी कि कन्नड़ लैंग्वेज आनी चाहिए, और कैंडिडेट ने 10वीं क्लास तक लोकल लैंग्वेज यानी कि कन्नड़ पढ़ी हो। और इसकी सी कंडीशन में लिखा गया है कि कैंडिडेट को बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज्ड हो अपॉइंटमेंट लेटर से पहले। दोस्तों, इसका डिटेल पॉइंट सी में दे रखा है। और इसका डी कंडीशन में लिखा गया है कि दोस्तों कैंडिडेट के पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए 2-व्हीलर का या लाइट मोटर व्हीकल का। और दोस्तों, जहाँ तक पॉइंट नंबर 7 की बात है तो इसमें स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी का डिटेल दे रखा है। इसमें लिखा गया है कि ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने किसी भी खेल में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया हो। और दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अंतर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो। और तीसरी कंडीशन में लिखा गया है कि ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अखिल भारतीय स्कूल खेल महासंघ द्वारा आयोजित स्कूल राष्ट्रीय खेल या खेलों में राज्य विद्यालयों की टीम का प्रतिनिधित्व किया हो। और चौथी कंडीशन में लिखा गया कि ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के तहत शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। तो दोस्तों, इन कंडीशन को यदि फुलफिल करते हैं आप इनमें से किसी भी कंडीशन के लिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी की बात है और दोस्तों, जहाँ तक पॉइंट नंबर 8 की बात है तो उसमें लिस्ट ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स का डिटेल दे रखा है, जो कैंडिडेट इन स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके जो नाम है दोस्तों, पहला आर्चरी है, दूसरा एथलेटिक्स इंक्लूडिंग ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, तीसरा है अट्टापट्टिया, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम, चेस, क्रिकेट, साइकिलिंग, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स, फुटबॉल, गोल्फ, जिमनास्टिक्स इंक्लूडिंग बॉडी बिल्डिंग, हैंडबॉल, हॉकी, आइस स्कीइंग, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, जूडो, कबड्डी, कराटे, डियो,
कायाकिंग एंड कोनोइंग, खो खो, पोलो, पावर लिफ्टिंग, रैपल शूटिंग, रोलर स्केटिंग, रोइंग, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टाइकंडू, टेनी क्विट, टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और याचिंग। ये थे दोस्तों नेम्स ऑफ द स्पोर्ट्स। और दोस्तों जहाँ तक पेमेंट ऑफ फ़ी की बात है तो इसके लिए 200 रुपये फ़ीस है। इसको आप किसी भी कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस में जाके इसके पेमेंट कर सकते हैं। इसका डिटेल पॉइंट नंबर 15 में दे रखा है। और जहाँ तक वुमेन कैंडिडेट और SC ST और एक्स सर्विसमैन की बात है दोस्तों, तो इनके लिए फ़ीस यानी कि एग्जेम्प्टेड है, पेमेंट ऑफ फ़ीस एग्जेम्प्टेड है। और दोस्तों जैसे बताया कि इसका अप्लाई मोड ऑफलाइन है, इसके लिए आपको प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करना है। इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। इसकी वेबसाइट का एड्रेस है दोस्तों www.karnataka.post.gov.in, या आप दूसरी वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट का एड्रेस है https://www.indiapost.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म विद अदर डॉक्यूमेंट्स भेजना है। द असिस्टेंट डायरेक्टर R&D चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कर्नाटका सर्किल बेंगलुरु 560001। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो कर्नाटका सर्किल की है यानी कि बेंगलोर की है। और आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से। और इसकी लास्ट डेट है 26/2/2020। और दोस्तों जहाँ तक डिटेल्स ऑफ इनक्लोजर्स की बात है तो इसका डिटेल पॉइंट नंबर 16 में दे रखा है। और आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भेजनी है, आपको फोटो कॉपीज भेजनी है जो आपको अटेस्ट करनी है। तो दोस्तों ये था सॉ डिटेल जो मैंने आपको बताया। और ये डिटेल जो है कर्नाटका सर्किल का है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। और इसमें टोटल 27 वैकेंसी है। और इन केस आप इन वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके जनरल कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। और आपसे विनती है प्लीज़, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।